पे ध्यान देना आप। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक मेथड कंप्लीट कर रखा है, पहले मैं उस मेथड को रिमाइंड करा देता हूं। अगर वो मेथड आपको क्लियर होगा तभी ये मेथड भी आप कंपैरिजन कर पाओगे, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं पहले वाले मेथड में और इस वाले मेथड को मिक्स करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले वाला मेथड हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भाई ऐसा सिचुएशन में हमें ये करना होता है। लेकिन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड में से आप क्वेश्चन को करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे हम डेटर सिस्टम कर ले चाहे स्टॉक डेटर सिस्टम कर ले। एग्जाम के अंदर अगर डेटर सिस्टम बोलेगा तो डेटर सिस्टम के हिसाब से सॉल्यूशन देना है, स्टॉक डेटर सिस्टम बोलेगा तो स्टॉक डेटर सिस्टम के हिसाब से देना है। कुछ भी ना बोले तो आपकी इच्छा है कि आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर लो। उस टाइम पे ऐसा भी होता है कि आपके पीछे वाला स्टूडेंट ही आपके साथ वाला डेटर सिस्टम कर रहे हो और आप स्टॉक डेटर सिस्टम कर रहे हो, तो उस टाइम पे एक दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं कि भाई तेरा गलत है या मेरा सही है, क्योंकि उस टाइम पे एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे। लेकिन कुछ ऐसे हिंट है जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा जी इसको तो इसी मेथड से पूछा गया है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डेटर सिस्टम किया था, डेटर सिस्टम में यानी डेटर मेथड में हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते थे? एक बनाना पड़ता था ब्रांच अकाउंट, और सही मायने में देखा जाए तो बस एक ही अकाउंट था। इसके साथ इसके हेल्पिंग अकाउंट कौन सा था? डेटर। और थर्ड कैशबुक बनाना पड़ा तो बना लेते थे लेकिन जो हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं था। और फोर्थ पेटी। तो देखा जाए तो डेटर अकाउंट तो यहां भी है इस वाले मेथड में भी, पेटी कैश यहां भी बनाया मैंने, कैश अकाउंट नहीं बनाया, अगर जरूरत पड़ा तो बना लेंगे कैश अकाउंट वो यहां। तो जो पहले तीन अकाउंट थे ना हमारे लास्ट में, यहां पे भी तीन अकाउंट आपके बनेंगे, लेकिन पहले तीनों अकाउंट का पर्पस कुछ और था। क्या पर्पस था डेटर का? डेटर के तीन पर्पस थे। डेटर के तीन पर्पस कौन कौन से थे? या तो ओपनिंग डेटर पता चल जाए, या क्लोजिंग डेटर पता चल जाए, या कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर पता चल जाए। तीन ही तो यूज होता था ब्रांच में। कैश बुक का क्या पर्पस था? बैलेंस सीडी। पेटी कैश का क्या था आपका? यहां भी बैलेंस सीडी निकल जाए, ये पर्पस था। लेकिन अब जो इस सिस्टम में करेंगे इस केस के अंदर ये तीनों पर्पस नहीं होगा, कुछ और ही पर्पस होगा यहां पे निकालने का। तो अब इसके अंदर सिस्टम में सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट की मैं बात करूं तो स्टॉक डेटर सिस्टम सेकंड मेथड है, और कौन सा ब्रांच है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट ब्रांच चल रहा है। इंडिपेंडेंट में तो दोनों अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट कौन प्रिपेयर कर रहा हैड ऑफिस या ब्रांच? हेड ऑफिस किसके लिए? ब्रांच के लिए, ठीक है। तो और इनलैंड ब्रांच है या फॉरेन ब्रांच कर रहे हैं? इनलैंड ब्रांच, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, याद होगा कि स्टॉक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, सेम वही स्टॉक अकाउंट होगा। तो हम एक एक करके देखेंगे ब्रांच स्टॉक। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे पास लास्ट बैच में स्टूडेंट का है, सर आपने डेटर सिस्टम में तो दो मेथड बताए थे उसके अंदर भी, एक इनवॉइस पे एक कॉस्ट पे, क्या यहाँ पे भी वैसा कुछ होगा? बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा होता है, लेकिन आपके बुक में कॉस्ट मेथड का कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा इनवॉइस मेथड का है। तो मैं इनवॉइस मेथड से डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। लेकिन फिर उस स्टूडेंट ने पूछा कि सर इनवॉइस मेथड बिल्कुल वही रहेगा जैसे कि पहले करा था, इनवॉइस मेथड का मतलब सेलिंग प्राइस लोडिंग रिजर्व। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे भी मैं इनवॉइस बोलू तो इनवॉइस का मतलब क्या समझना है आपको? सेलिंग प्राइस लोडिंग बोलू तो प्रॉफिट के हिस्से को क्या बोलेंगे हम? लोडिंग बोलेंगे। उसका एक और नाम था स्टॉक रिजर्व, वही रहेगा हमारा। तो ये हमारा रहेगा स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक अकाउंट सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट है, ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो स्टॉक अकाउंट के इस साइड में हमें लिखना है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और ये हमेशा इनवॉइस प्राइस पे रहेगा। और टू बैलेंस बीडी में व्हाट क्या होगा यहां पे? सिर्फ स्टॉक का बैलेंस है। ये किसका बैलेंस है? सिर्फ स्टॉक का, ठीक है, क्योंकि स्टॉक अकाउंट है तो स्टॉक का ही होगा, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए हमें। कई बार क्वेश्चन में समस्या ये आ सकता है कि आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस पे दे, तो अगर कॉस्ट प्राइस पे देता है तो आप उसको आईपी में पहले कन्वर्ट करोगे, आईपी मतलब सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करके फिर दिखाओगे यहां पे, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा स्टॉक एसेट्स है, तो एसेट डेबिट इधर आएगा, क्रेडिट इधर आएगा, इस साइड से रीजन जो भी हो प्लस और इस साइड से रीजन जो भी हो माइनस।
अब स्टॉक कब कब बढ़ सकता है? अगर हमारे पास स्टॉक आएगा, हेड ऑफिस अगर भेजेगा तो ब्रांच का स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक होगा गुड सेंट, और इसको भी हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, आईपी पे, इनवॉइस प्राइस पे। और कब स्टॉक बढ़ सकता है सोचो, दो तो मैंने बता दिया, तीसरा परचेज। परचेज तो हमारे पास राइट ही नहीं है, परचेज तो हेड ऑफिस करेगा। और बताओ स्टॉक बढ़ने का, सेल्स रिटर्न। एग्जैक्टली, सेल्स रिटर्न अगर डेटर माइनस करेगा हमारा तो बढ़ेगा स्टॉक, ठीक है ना। तो सेल्स रिटर्न, पहले वाले क्वेश्चन में ब्रांच अकाउंट था, वो स्टॉक अकाउंट नहीं था, उसको तो माइंड से निकाल दो। वहां पे सेल्स रिटर्न था तो बस डेटर में दिखाते थे और कहीं, लेकिन यहां पे सेल्स रिटर्न होगा तो स्टॉक अकाउंट में तो आएगा। तो एक इंपैक्ट आएगा हमारा किसका, सेल्स रिटर्न का रिटर्न। ये आईपी पे ही होगा, क्योंकि जो मैंने बेचा है सामान किसको, जो मैंने सामान बेचा है ग्राहक को, वो तो सेलिंग प्राइस पे ही बेचा होगा। जब ग्राहक को सेलिंग प्राइस पे बेचा होगा तो जो वापस देगा वो भी सेलिंग प्राइस पे होगा, तो ये आईपी पे ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर हमारा स्टॉक रिजर्व नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर स्टॉक रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनसेट हो जाएगा। सेल पे से क्या कभी हमने लोडिंग निकाला था, नहीं। तो सेम ऐसे सेल्स रिटर्न पे भी याद होगा नहीं निकालना हमें, तो यहां पे इस पे लोडिंग नहीं निकलेगा। और कोई रीजन है बढ़ने का? और तो फिलहाल कोई रीजन नहीं है। और घटने के रीजन बता दो क्या क्या है, कैश में सेल्स किया और क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से भी क्या होगा, घट जाएगा। अब ध्यान दो, क्रेडिट सेल्स निकालने का कोई और सोर्स है, कोई अकाउंट मैंने बनाया है जहां से क्रेडिट सेल्स हमें पता चल पाए, सोचो जरा एक बार। डेटर अकाउंट, आपको पता होना चाहिए कि डेटर अकाउंट में से हम क्रेडिट सेल्स फाइंड कर सकते हैं। हाउ, कैसे, सारा इंफॉर्मेशन दे दे। अगर मैं आपको यहां दे दूं टू बैलेंस बीडी, जिसका कोई यूज नहीं है मेरे पास, बाय बैलेंस इसका भी यूज नहीं है, बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर यानी कैश में अगर डेटर से मिलता है तो इसका भी कोई यूज नहीं है, लेकिन लास्ट वाले मेथड में इन तीनों का यूज था, इस वाले में इसका कोई यूज नहीं है। अगर बैड डेट्स है, बैड डेट्स इसके ऊपर स्टार बना दिया, इसका यूज करेंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इसका भी यूज करने वाले हम। इसके बाद डिस्काउंट, इसका भी यूज करेंगे। इसके बाद आपका अलाउंसेस, अलाउंसेस होता क्या है थोड़े टाइम बाद हम इसका डिस्कस करेंगे बाद में। अब अगर ये सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और बैलेंसिंग फिगर हमारा जो निकलता है वो टू साइड में निकलता है, तो इसका मतलब जो हमारा टू साइड में निकला होगा, इस साइड में, टू साइड में, वो निकला होगा क्रेडिट सेल, और ये बैलेंसिंग फिगर होगा इसमें। तो इसका मतलब डेटर अकाउंट बनाना हमें कब है, दो कंडीशन में, एक क्वेश्चन बोल दे तब तो बनाना ही बनाना है, दूसरा अगर क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और यहां से इजीली हमारा क्रेडिट सेल्स निकालेंगे। तो यहां पे मेन पॉइंट ये है, और इस क्रेडिट सेल्स को अगर निकाल भी ले तो यूज कहां करना है हमें, स्टॉक अकाउंट में। ये ब्रांच अकाउंट नहीं है, ये है ब्रांच का स्टॉक, और इसे सिंपल में स्टॉक अकाउंट भी बोल सकता हूं, तो यहां यूज करेंगे, ठीक है। और घटने का क्या रीजन हो सकता है बताओ, अगर ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे तब भी, तो रिटर्न टू एच ओ, ये भी आईपी पे होगा। इसके बाद और घटने का रीजन, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर या कोई भी ऐसा लॉस जो कि आपका होना नहीं चाहिए था लेकिन वो अचानक से हो गया, तो ऐसे लॉसेस को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब हमारे दो तरीके के लॉसेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल।
तो लॉसेस की मैं बात करूं तो दो तरीके के लॉसेस हैं। कौन कौन से लॉसेस हैं? एक है नॉर्मल लॉस और एक है एबनॉर्मल लॉस। अब इसको समझना है कि भाई किसको एबनॉर्मल लॉस मानना चाहिए और किसको नॉर्मल लॉस मानना चाहिए, ये समझना है। देखो, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम चाह के भी नहीं टाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई मिल्कमैन है, दूध घर पे देने के लिए आता है, तो अगर वो घर से 10 लीटर मिल्क लेके निकलता है कि बेच दूं, 10 लीटर दूध लेके निकला कि आज बेच के आते हैं, तो जब हर किसी को 10 पर्सन को देना है, 1 लीटर का मेरा एक कस्टमर है, पहले को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, पांचवे को, जैसे मैं 10वें नंबर पे जाऊंगा तो मुझे 1 लीटर दूध नहीं मिलेगा मेरे पास। क्यों नहीं मिलेगा? पहले को जब मैंने दूध डाला, दूध डालने के बाद वो कस्टमर तब तक अपना दूध अंदर नहीं ले जाता, उसे वो उम्मीद होता है थोड़ा एक्स्ट्रा दे, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा दिया। अगले वाले के साथ भी यही हो रहा है, 9 कस्टमर के साथ वही हुआ, तो लास्ट वाला जो मैं सोच रहा था 1 किलो दूध दूंगा, उसके तो हिस्से का सारा बट गया, तो लास्ट में हो सकता है मेरे पास 1 लीटर के बजाय मेरे पास 0.5 लीटर ही बचा हो। तो इस लॉस को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। अगर कोई कस्टमर आएगा, उसने दूध एक मुझसे 1 लीटर मांगा और उसे मैं थोड़ा नहीं दू और उसे भगा देता हूँ, सपोज करो, बोलता हूँ भाई एक्स्ट्रा दूध कोई भी नहीं मिलेगा, तो अगले दिन से क्या करेगा वो, अपना दूसरा दुकानदार ढूंढ लेगा। तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये लॉस होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉसेस है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। सेम ऐसे मान लो आप अगर ऑफिस में कोई एम्प्लॉई है, तो लंच, आप टाइमिंग की बात करते हैं, नॉर्मल लॉस टाइमिंग का कैसे होता है, आपका ऑफिस है या आपने कोई अपना मकान बनवा रहे हो, मकान बनवाते टाइम पे आपने बोला कि भाई डेली का आपको 600 रुपये मिलेगा डेली वेजेस, लेकिन उसने बोला हम आएंगे आपके पास, उसने टाइमिंग बताया कि 9:30 बजे आएंगे और 6 बजे चले जाएंगे और बीच में हमारा होगा 1 घंटे लंच का, तो उसको पूरे दिन अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो देखना अगर 1 बजे का आपका है, 1 बजे का अगर लंच टाइमिंग है, तो वो 1 बजे नहीं 1:45 बजे ही तैयार हो जाएगा, 15 मिनट वेस्ट हो गया, उसको डांट के काम भी नहीं करवाया जा सकता, और वो 2 बजे आना चाहिए तो 2 बजे आके भी काम स्टार्ट नहीं करेगा, वो 2:30 बजे तक करेगा, क्योंकि वो लॉसेस जो कर रहा है वो लॉस नॉर्मल लॉस है। अगर मैं इस पे टाइटनेस करता हूं, भाई 1 बजे ही आपको जाना है और 2 बजे एग्जैक्ट आ जाना है, तो वो वर्कर क्या करेगा, छोड़ के चले जाएगा, भाई इसके पास काम नहीं करना, ये मालिक बहुत चिक चिक करता है तो इसके पास काम ही नहीं करना, वो सीधा छोड़ देगा। तो नॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो मेरा कंसर्न ये है कि चाहे लॉस नॉर्मल हो चाहे लॉस एबनॉर्मल हो, स्टॉक तो मेरा कम होगा ही होगा, जैसे मैंने मिल्क का था तो उसका भी स्टॉक कम हुआ, तो अगर नॉर्मल लॉस होगा तो उससे भी मेरा स्टॉक क्या होगा, स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। और ये नॉर्मल लॉस क्या हमें पता होता है? यस, ये हमेशा ऑलवेज पता होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस हो सकता है हमारा? सोचो, नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि इसका नुकसान तो पक्का है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस उसी का करता है जिसका नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये तो कंफर्म होता है, तो इसका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा, ये तो नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो लॉसेस होता है, इसमें भी हमारा स्टॉक रिड्यूस होगा और इसमें भी हमारा स्टॉक क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका हम इंश्योरेंस करवाते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या हो सकता है, जैसे मिल्कमैन का मैंने एग्जांपल लिया, वो घर से आ रहा था, नॉर्मली 10 लीटर लाता था तो 9.5 लीटर बेच पाता था, लेकिन एक दिन लाते लाते उसका 9 लीटर मान लो रास्ते में गिर गया, तो उसके पास बचा कितने, 1 लीटर बचा, तो वो जो 9 लीटर उसका वेस्ट हो गया वहां पे, वो कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, उस लॉस को बोलेंगे एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है आपका, आपका नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है, मान लो अर्थक्वेक हो गया या फिर बाढ़ आ गया या कोई आपका और कोई रीजन हो गया, इस वजह से आपका एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। दूसरा ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है या ड्यू टू हैपनिंग की वजह से हो सकता है। तो एबनॉर्मल लॉस आपको क्लियर क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि भाई ये तो लॉस हमारा कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल, इसमें भी स्टॉक क्या होगा हमारा,
क्या इसका इंश्योरेंस होता है एबनॉर्मल लॉस का? बिल्कुल, इससे इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा। तो चाहे नॉर्मल लॉस हो एबनॉर्मल, दिखाना इधर है, जो ये लॉस बाय थेफ्ट लिखा है ना, ये कौन सा लॉस है पता है? एबनॉर्मल। अब आगे क्वेश्चन में आएगा तो और डिस्कस करेंगे हम नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, ये बस मैं समझा रहा हूं। और कई बार क्वेश्चन में खुद बोल देगा ये तो नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस से भी मेरा स्टॉक क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। और कम होने का रीजन क्या है हमारा? लॉस भी हो गया, सेल भी कर दिया, रिटर्न भी कर दिया, और कोई तो रीजन नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में यहां बैलेंस सीडी दे रखा होगा। अगर बैलेंस सीडी नहीं दे रखा तो यही आपका आंसर है इस अकाउंट से निकालना। बैलेंसिंग फिगर आपका आंसर मेन होता है कि यहां से निकाले। लास्ट क्लास के अंदर भी किया था तो वह बैलेंस सीडी निकाला था। लेकिन अगर ये भी दे दे, बैलेंस बीडी भी दे दे, सारा इंफॉर्मेशन, अब भी हुआ क्या, मेरा बाय साइड में डिफरेंस आ रहा है किसी रीजन से। अब वो रीजन मुझे पता नहीं चल रहा, तो अब बताओ जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है उस लॉस को क्या नाम दे? एबनॉर्मल ही होगा। उस लॉस को क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। जिसको हम शॉर्टेज के नाम से बोलेंगे, जिसको हम शॉर्टेज, ये भी बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है। एक न्यू वर्ड भी सुनोगे इसमें, गुड्स प्लीफर्ड। प्लीफर्ड का मतलब होता है चोरी हो जाना, ठीक है? प्लीफर्ड का मीनिंग क्या है हमारा? चोरी। तो वो गुड्स प्लीफर्ड होगा तो वो भी एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस साइड का टोटल ज्यादा हो और इधर ही बैलेंसिंग फिगर निकल रहा हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होता है तो इधर लिखेंगे सरप्लस, इधर लिखेंगे सरप्लस। आपको ध्यान देना है, देखो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया। स्टॉक अकाउंट में टू में क्या लिखना है, बाय में क्या लिखना है, बिल्कुल हमें क्लियर है। लेकिन कई बार अगर बाय में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो नंबर वन पे प्रायोरिटी किसको देंगे? बैलेंस सीडी। अगर नहीं है तो बैलेंस सीडी भी है फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो नंबर टू पे शॉर्टेज का नाम देंगे। और शॉर्टेज को हम कौन सा लॉस माने? एबनॉर्मल। इसको हम एबनॉर्मल लॉस मानेंगे और ये हम नोट में भी लिखेंगे कि सर ये एबनॉर्मल लॉस है हमारा। लेकिन अब टू साइड में बैलेंस, लेकिन ओपनिंग बैलेंस दे ही नहीं रखा स्टॉक का, तो ओपनिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है तब भी टू में आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर गुड सेंड आ सकता है हमारा, ठीक है? अब ये तीनों इंफॉर्मेशन है फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तब लास्ट ऑप्शन किसका है? सरप्लस का, ठीक है? समझ में आया? यानी बाय साइड सब कुछ दे रखा है, आपका बैलेंसिंग फिगर टू साइड में आ रहा है और आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन तो ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और गुड सेंट नहीं दे रखा तो बैलेंसिंग फिगर गुड सेंट आएगा। लेकिन गुड सेंट और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर ये सेल्स रिटर्न नहीं हो सकता, बैलेंसिंग फिगर क्या मानेंगे? सरप्लस, ठीक है? तो ये था हमारा एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट। लेकिन इसमें तो स्पेस छोड़ा ही नहीं हमने, किस लिए? स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। अब इसमें स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए स्पेस मैंने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इसमें स्टॉक रिजर्व होना चाहिए, लेकिन हम इसके स्टॉक रिजर्व को इस अकाउंट में ना दिखा के हमने नीचे अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया जिसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट। यहां मैंने तीन लिखा है, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हमारा बनता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऊपर के कुछ लाइन हमारे ट्रेडिंग का पार्ट का होता था, उसके बाद का लाइन किसका होता था? प्रॉफिट एंड। सेम वैसे ही ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा एक, और एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं यहां तक इसको मान लेता हूं कि यहां तक हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? जितने भी ऊपर के आपके लोडिंग है वो सारा लोडिंग दिखाना है। यानी ओपनिंग स्टॉक पे है तो इसका लोडिंग बाय साइड में दिखाएंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। और किस पे निकाला मैंने? ओपनिंग स्टॉक पे। इसके बाद गुड सेंट पे क्या लोडिंग होता है? बिल्कुल, बाय गुड सेंट पे स्टॉक रिजर्व। ये आ गया हमारा गुड सेंट पे। इसके बाद सेल्स रिटर्न पे क्या लोडिंग निकालेंगे? नहीं, इस पे लोडिंग नहीं निकालना। यहां मैंने स्पेशली बोल दिया स्टॉक रिजर्व को आपको नहीं निकालना। यहां पे इस साइड कंप्लीट हो गया। अगर सरप्लस है तो इसका लोडिंग नहीं, पूरा सरप्लस लिख देंगे अगर आता है तो। अगर सरप्लस आए ना तो हम पूरा लिख देंगे, इसका लोडिंग का चिंता नहीं करना कि क्या लोडिंग होगा, पूरा आ जाएगा, ठीक है?
अब इस साइड के लोडिंग को इस साइड रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले हम एक एक करके चेक करते हैं, इस पे लोडिंग होगा, सेल्स पे तो होता नहीं, इस पे होगा, स्टॉक रिजर्व, और ये स्टॉक रिजर्व किस पे मान रहे हैं हम, रिटर्न। इसको ब्रैकेट में लिखने से पता है क्या होगा आपको, थोड़ा सा बस ठीक रहेगा कि हमें पता चल जाएगा किस पे निकाला है। लॉस बाय थेफ्ट एबनॉर्मल है, लॉस बाय थेफ्ट कौन सा लॉस है हमारा, एबनॉर्मल लॉस पे भी लोडिंग होगा, टू स्टॉक रिजर्व, और ये है एबनॉर्मल लॉस। लेकिन एक बात ध्यान देना है, अब देखो मान लो मेरा लॉस बाय थेफ्ट हुआ, मैंने सामान भेजा था ब्रांच को 100 रुपए का, जिसको मैंने खरीदा था 80 का, तो मेरा नुकसान कितने का हुआ, 100 का या 80 का? एक्चुअल लॉस तो 80 का ही मानोगे ना, मैं कस्टमर को बेचता वो सामान 100 रुपए का और लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कोई उसे मेरी शॉप से निकाल के ले गया, तो लॉस बाय थेफ्ट तो कस्टमर को 100 का बेचता ना भैया। ऐसे आप नहीं बोल सकता कि मेरा 100 रुपए का लॉस हो गया, मेरा 100 रुपए का, मैंने खरीदा कितने का था ये पता करो, 80 का तो मेरा लॉस कितने का होगा, तो यानी 100 रुपए का अगर स्टॉक ले जाते हैं तो इसमें भी लोडिंग इंक्लूडेड है 20 रुपए, तो स्टॉक रिजर्व बोलते किसको है, लोडिंग का ही तो बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, हम लोडिंग का नाम ही स्टॉक रिजर्व, तो एबनॉर्मल लॉस का तो यहां पे आ गया। इसके नीचे का जो हिस्सा मैं बनाने जा रहा हूं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो लॉस क्या हमारा एबनॉर्मल लॉस पे अगर 100 रुपए का था तो यहां तो पूरे 100 दिखाना है, एग्जाम्पल लेते हैं, और इसका लोडिंग 20 यहां आ जाएगा, लॉस एक्चुअल कितने का हुआ, 80 का, उसे नीचे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे, आपका क्या था एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय थेफ्ट, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा कॉस्ट, मैं कॉस्ट लिख रहा हूं, कॉस्ट ही तो हुआ, 100 रुपए का सामान 20 रुपए का आपका उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट का हिस्सा हमने कहां लिख दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट में, और उस पे जो भी कॉस्ट था वो सारा मेरा लॉस है वो इधर आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका इंश्योरेंस करवाया हो, तब तो लॉस मेरा कम होगा, मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 20 रुपए मुझे दे दिए उसके बदले के, या 50 रुपए दे दिए, तो जब इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगा तो इसको बोलेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो हम यहां से माइनस ना करके, क्योंकि माइनस करेंगे दिक्कत हो जाएगा, बाय साइड में दिखा देंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम, रिसीव नहीं होगा बस क्लेम होगा आपका यहां, ठीक है। दोबारा देखो, अब मान लो मेरा एक एबनॉर्मल लॉस है और लॉस बाय फायर था मेरा 15,000 रुपए का, और वो जो 15,000 रुपए का मैं आईपी बता रहा हूं आपको, यानी ये सेलिंग प्राइस है, मुझे इसका आंसर देना, सेलिंग प्राइस है हमारा 15,000 का, और मेरा जीपी था ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 20%, जीपी ऑन सेल्स कितना है हमारा 20%, तो 15,000 रुपए का मेरा लॉस हुआ, ये क्या है सेलिंग प्राइस, इसको तो मैंने यहां दिखा दिया, चलो किस नाम से दिखा दिया, लॉस बाय फायर के नाम से। अब इसके ऊपर लोडिंग है जुड़ा हुआ, क्योंकि ये है क्या मैंने बताया आपको, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब लोडिंग जुड़ा हुआ है, कितना लोडिंग जुड़ा हुआ है, 3,000 रुपए, सीधा डायरेक्टली 20% निकाल लेंगे 3,000। अब इसका 3,000 किधर रिकॉर्ड करना है, इस साइड। अब हमारा कोई नुकसान भी हुआ यहाँ पे, हुआ है, वो नुकसान कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ कितना अमाउंट दिखाएंगे, 12,000 रुपए दिखाएंगे, यानी 3,000 यहाँ आ गया और 12,000। अगर मान लो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए 10,000, तो कहाँ दिखाएंगे, बाई साइड। समझ में आएगी, जब कभी भी आपका लॉस एबनॉर्मल लॉस होगा तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस पे हम स्टॉक रिजर्व नहीं निकालेंगे, या नॉर्मल लॉस की जगह मैं स्टॉक रिजर्व लिख देता हूं, और ये नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस पता है क्या होता है, नॉर्मल लॉस पे हमारा कभी लोडिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे मान लो मैं कोई सामान नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना चाहता हूं, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे,
मैं ऑरेंज का एग्जाम्पल लेता हूं आपसे, मैं 10 ऑरेंज लेके आता हूं 1 रुपीज ईच, 10 ऑरेंज लेके आऊंगा 1 रुपीज ईच, सो हर एक कस्टमर को एक ऑरेंज कितने का बेचूंगा? 1 रुपए, 1 रुपए, नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से। लेकिन जब भी मैं लेके आता हूं इसको, 1 ऑरेंज मेरा क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, किसी रीजन से खराब हो जाता है रास्ते में लाते लाते। अब मैं कितने ऑरेंज बेच पाऊंगा? क्या मैं अब भी 9 1 1 रुपए में ही बेचूं? नहीं बेचूंगा। यहां पे हर बार खराब होता है तो ये लॉस कौन सा है, नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल लॉस है। अब मैं कस्टमर को पता है कितना बेचूंगा, 10 डिवाइडेड बाय 9 यानी 12 पैसे जो भी हमारा आएगा वो। तो क्या मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ यहां पे? सॉरी, नॉर्मल लॉस हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा नॉर्मल लॉस तो यहाँ पे हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन नॉर्मल लॉस क्या मेरे जेब से जा रहा है या कस्टमर से रिकवर कर लिया मैंने? कस्टमर से मैंने रिकवर कर लिया, इसलिए नॉर्मल लॉस होगा यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअल मेरे पॉकेट से तो कुछ नहीं निकला, तो इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ कुछ नहीं जाएगा। तो यानी जो नॉर्मल लॉस होगा वो 100% यही दिखाना है, ये समझना है आपने। एबनॉर्मल लॉस के केस में तो मेरे पॉकेट पे बर्डन आया था क्योंकि मेरे जेब से उसको बियर करना है, लेकिन नॉर्मल लॉस तो मैं कस्टमर से रिकवर कर लूंगा, इसलिए मैं नॉर्मल लॉस का कोई भी लोडिंग या कोई भी कॉस्ट प्राइस हम पीएनएल में लेके नहीं जाएंगे, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पे आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब बात करते हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज तो शॉर्टेज का स्टॉक रिजर्व यहां आएगा और उसका कॉस्ट, शॉर्टेज का लिख नहीं रहा मैंने, एबनॉर्मल लॉस लिख दिया, तो यहां पे समझ जाना है कि सबका है, ठीक है? अब बैलेंस सीडी, क्या इसका भी स्टॉक रिजर्व निकाले? बिल्कुल, स्टॉक रिजर्व, और ये किस पे? क्लोजिंग स्टॉक पे, ठीक है? ये मैंने यहां लिख दिया। अब हमने अभी तक क्या सीख लिया? हमने स्टॉक अकाउंट सीख लिया अच्छे से, स्टॉक अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, और हमने एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सीखा है। कई बार एग्जामिनर बोलता है प्रिपेयर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कई बार बुक में या कुछ टीचर अपने हिसाब से सॉल्यूशन करवाते हैं कि ब्रांच एडजस्टमेंट को इतना कर देंगे, इसके बाद एक सेपरेट अकाउंट नीचे बना, जैसे कि स्कूल में भी आपके साथ हुआ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनवा दिया होगा टीचर ने कुछ ने, और प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनवा दिया था, ठीक है? लेकिन कुछ स्कूल में कंबाइन बना रहे थे, तो मैं भी यहां पे कंबाइन लेके चल रहा हूं, ठीक है? अगर बोला जाए आपको ब्रांच एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसे बन सकता है हमारा। अब बात करते हैं ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा कैसे, सोचने वाली बात है। तो जो भी स्टॉक रिजर्व हमारा स्टॉक में होगा ना, उसका सारा लोडिंग जो हम यहाँ पे पुट करेंगे उससे ही बनेगा। तो सर यहाँ पे कोई रिजल्ट भी आएगा? बिल्कुल, यानी ब्रांच एडजस्टमेंट से हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम जीपी के नाम से भी ना जानते हैं, और इधर निकला तो ग्रॉस लॉस। मैक्सिमम क्वेश्चन में तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट कहीं जाएगा? बिल्कुल, ये चले जाएगा पीएनएल में। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए, भूल गए, क्रेडिट सेल्स के लिए यूज किया था, और कोई यूज था क्या इसका? नहीं था, लेकिन मैंने यहां सार बनाया हुआ है। अब इसके जितने भी खर्चे हैं वो पीएनएल में जाने चाहिए। क्या बैड डेट्स मेरा एक्सपेंस है? बिल्कुल, पीएनएल में जाना चाहिए। क्या सेल्स रिटर्न मेरा एक्सपेंस है? नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए स्टार बनाया क्योंकि हमने इसको यहां दिखाया, डबल एंट्री, इससे डबल एंट्री करना है, ठीक है? क्या डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है? जाएगा। क्या अलाउंसेस एक्सपेंस है? बिल्कुल एक्सपेंस है, ये भी ले जाएंगे। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस मानते हैं? डेटर में नहीं जाता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है, तो अगर होगा, वैसे तो नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो हम यहां दिखा देंगे, ठीक है? तो अब पहले वाले में और इस वाले में कंपेयर, जब ब्रांच अकाउंट बनाते थे तो डेटर से रिलेटेड जो भी खर्चे थे उससे हमें कोई मतलब नहीं था, हमें वहां पे ध्यान देना होता था कौन सा खर्चा हेड ऑफिस पेड कर रहा है और कौन सा खर्चा, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे ये मानना है कि बिजनेस का जो भी खर्चा हो, पेमेंट चाहे हेड ऑफिस कर रहा हो, चाहे पेमेंट ब्रांच कर रहा हो, चाहे कोई भी पेमेंट कर रहा हो, उससे मतलब नहीं है, एक्सपेंस है तो पी एंड एल में आएगा, चाहे डेटर से रिलेटेड हो, चाहे किसी एसेट से रिलेटेड हो हमारा। तो यहां पे देखो,
बेड डेट्स भी मैं दिखाऊंगा यहां पे, टू साइड में बेड डेट्स। अब मैं टू साइड में डिस्काउंट भी दिखाऊंगा। अब मैं बोलता हूं रेंट पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट हेड ऑफिस ने पेड किया, क्या यहां पे दिखाएंगे? दिखाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दूं, रेंट पेड बाय ब्रांच, तो क्या दिखाएंगे? दिखाएंगे। यानी यहां पे हेड ऑफिस और ब्रांच के पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वो किस सिस्टम में था? डेटर सिस्टम में, ठीक है। तो यहां पे अगर रेंट पेड मैं बोल रहा हूं या अलाउंसेस है तो अलाउंसेस भी आएगा। चलिए अब एक पॉइंट और बताना मुझे, पेटी कैश एक्सपेंस, इसका क्या यूज है? यहां पे क्या लिखते हैं? एसेट से टू बैलेंस। अगर कोई और इस साइड आएगा बैलेंस, अगर मुझे प्लस करना हो तो यहां से प्लस होगा, माइनस, क्योंकि ये एसेट से एक तरीके से। अब प्लस होने का रीजन क्या होता है? जो हेड ऑफिस भेजता है हमें कैश में है वो इधर आ जाता है, लेकिन इस साइड जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है हमारा, ध्यान देना यहां पे, इसका मतलब होता है वो मैंने यूज करा है, किसी भी एक्सपेंस को पेमेंट करने के लिए यूज किया है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपए था, हेड ऑफिस ने मुझे 500 रुपए और दे दिए, तो मेरे पॉकेट में 600 रुपए किस नाम का है? पेटी एक्सपेंस का, जिसमें से मेरे पास अब 100 और बचे हुए हैं लास्ट में। तो यानी 100 अगर मेरे पास बचा हुआ है तो 500 कहां गए? मैंने खर्च कर दिए होंगे जिस चीज पे मुझे जरूरत पड़ा होगा। तो जो खर्च है सिर्फ हम उसको यहां दिखाएंगे, खर्चे को। पहले वाले मेथड में क्या था? ओपनिंग दिखाओ, क्लोजिंग दिखाओ और हेड ऑफिस ने कितना दिया है वो दिखा दो, खर्च ऑटोमेटिक वहां पे क्या होता था? रिफ्लेक्ट हो जाता था। लेकिन यहां पे ओपनिंग बैलेंस दिखाने का कोई जगह तो है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाने का कोई जगह नहीं है, तो एक्सपेंस रिफ्लेक्ट तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो एक्सपेंस है सिर्फ उसी को दिखाना है। तो ये वाला चले जाएगा हमारा कहां? प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी पेटी एक्सपेंस। तो चेंजेस देखना क्या क्या होगा, अभी मैं पूछूंगा भी आपसे। डेप्रिसिएशन, पहले क्या करते थे? मशीनरी का बैलेंस बीडी होता था, मशीनरी का बैलेंस सीडी होता था, और बीच में ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन कवर हो जाता था। लेकिन अब बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखने का तो कहीं गुंजाइश है नहीं, तो अब हमें क्या लिखना चाहिए यहां? सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। और एनी अदर कोई इनकम अगर होता है तो बाय साइड में आ जाएगा। और फाइनली यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, जो कि हम निकालते थे किस सिस्टम में? डेटर सिस्टम में। डेटर सिस्टम से जो ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट आता था और जो यहां पे आएगा प्रॉफिट, एग्जैक्टली सेम होगा। अगर गलत आ रहा है तो आपकी कोई मिस्टेक है, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। चलो अब हमें पता चल गया डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं। सबसे पहले बताओ, मैं दोनों अकाउंट पूछूंगा, क्रेडिट सेल्स, लेकिन डेटर अकाउंट डेटर सिस्टम में क्यों बनाते थे? बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। पेटी कैश अकाउंट यहां पे क्यों बनाया है? डेटर स्टॉक सिस्टम, स्टॉक डेटर सिस्टम में कंज्यूम, लेकिन उस टाइम पे डेटर सिस्टम में पेटी कैश बनाया था बैलेंस बीडी सीडी या हेड ऑफिस से कितना पैसा आया। पहले अगर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता था तो क्या करते थे? उसका डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंसिंग फिगर हम दिखाते थे, लेकिन अब डेप्रिसिएशन यहीं पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। नॉर्मल लॉस अगर होता है, हमारा क्वेश्चन में कहता है एग्जामिनर, तो नॉर्मल लॉस पे क्या लोडिंग निकालेंगे या 100% दिखा देंगे? 100% दिखा देंगे। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसका लोडिंग दिखाएंगे। क्या बैलेंस अमाउंट को कहां दिखाना है? नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है तो बाई साइड में हम दिखा देंगे, ठीक है। अगर मेरा बैड डेट्स होता है तो डेटर सिस्टम में कहां दिखाते थे? सिर्फ डेटर में। लेकिन स्टॉक डेटर सिस्टम में डेटर में तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने यहां लिखा नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है। क्या होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट? देखो, अगर कोई भी एक्सपेंस हो तो माइनस कर देते हैं हम प्रीपेड और प्लस कर देते हैं हम
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी जो भी होगा हमारा प्रीपेड माइनस और आउटस्टैंडिंग को प्लस करके और फिर फाइनल पेमेंट हमारा इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहां पे दिखाया है, आपको यहीं पे करके दिखाना है। जैसे मान लो मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहीं दिखाएंगे और सैलरी में ऐड कर देंगे। मैंने बोला प्रीपेड सैलरी, यहीं पे दिखाएंगे लेकिन सैलरी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके ऊपर हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद में, जब हमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो और पिछले साल का प्रीपेड हो तो क्या करना है। ये जो मैंने प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बताया वो सिर्फ बताया मैंने करंट ईयर का, ठीक है। तो इस अकाउंट का नाम ब्रांच स्टॉक, इस अकाउंट का नाम एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एग्जामिनर, आप कॉलेज में भी पूछ सकते हो, जाते हो, तो क्या हम अलग बनाएं या एक साथ बनाएं, दोनों आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट। यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट निकला तो इस साइड ट्रांसफर, लॉस निकला तो, और सारे खर्चे दिखा दिए मैंने, क्लियर है। कैश अकाउंट जरूरत पड़ेगी तो बना लेगा, और एक गुड्स एंड अकाउंट भी बोलते हैं।